बरेली से सन्न कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक महिला की जिंदगी को नर्क बनाने का काम उसने ही किया जिसने उसे अपना बनाया था। उसने ही 5 बार तलाक देकर फिर से अपनाया, लेकिन हलाला करने के बाद। और जब पीड़िता हो गई अपने पति की हरकतों से परेशान, तो खटखटाया पुलिस का दरवाजा। 3 तलाक जैसे अभिशाप से मुक्ति के लिए मोदी सरकार ने भागीरथी पहल की। जगह जगह मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक के खिलाफ आवाज बुलंद करने का कानूनी हक मिला, तो इसका असर दिखाई देने लगा। लेकिन रायबरेली के मिल एरिया इलाके में थरथुलवा गांव से एक बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां पीड़ित महिला ने आरोप लगाया है कि उसके पति ने उसे 5 बार तलाक दिया, जबकि 3 बार उसे हलाला के लिए मजबूर किया गया। हमारा मामला ये है कि मोहम्मद आरिफ के साथ 2015 में शादी हुई, उसके बाद उन्होंने तलाक दे दिया 3 बार। फिर मोहम्मद जाहिद के साथ अपने भाई के साथ निकाह पढ़ा, हलाला कराया, फिर उन्होंने 3 बार फिर तलाक दिया। फिर उसके बाद 3 महीना 13 दिन के बाद फिर उस मोहम्मद आरिफ के साथ फिर निकाह हुआ, फिर उन्होंने तलाक दे दिया। चुभने वाली बात तो ये है कि महिला साल 2015 में निकाह के करीब 1 साल बाद से 3 तलाक और हलाला का दंश झेल रही है। ये सिलसिला लगातार जारी रहा। इस दौरान उसे अपने ही देवर के साथ हलाला करना पड़ा। फिर मोहम्मद जाहिद के साथ फिर निकाह हुआ, वो मेरा देवर है, हलाला कराया, उसके बाद में फिर उन्होंने तलाक दे दिया, फिर इनके साथ हुआ। फिर बानो के साथ, अपने बुधाई बानो के साथ कह रहे हैं कि हलाला फिर कराओ, हमने मना कर दिया। हालांकि इस बार आरोपी पति ने बहनोई के साथ हलाला को लेकर दबाव बनाया, तो महिला ने पुलिस में इंसाफ के लिए गुहार लगा दी। एक दिन मेरे कार्यालय पर एक महिला उपस्थित हुई, उन्होंने बताया कि मेरा निकाह जिस परिवार में हुआ था, तो मेरे पति ने एक बार तलाक, ट्रिपल तलाक दिया, उसके बाद उसका हलाला उनके भाई से कराया गया, फिर पुनः निकाह हुआ, फिर उन्होंने दोबारा इसी तरह से ट्रिपल तलाक दिया और फिर उनका हलाला और निकाह की बात बताई। और उसके उपरांत उन्होंने कहा कि जब उन्होंने 3री बार यही प्रक्रिया अपनाई, तो वो मेरे समक्ष उपस्थित हुई। फिर मेरे समक्ष आई, तो जैसे ही मैंने उनके प्रकरण देखा, तो तत्काल इस पर FIR पंजीकृत करने का आदेश दिया। थाना मलेरिया में इसकी FIR पंजीकृत हुई है, विवेचना चल रही है। अफसोस की बात है कि कानून बनने के बाद भी 3 तलाक नासूर बना हुआ है। कानूनी सख्ती के बावजूद महिलाओं को 3 तलाक का दंश झेलना पड़ रहा है। हालांकि राहत की बात तो ये है कि मुस्लिम महिलाएं अब इसके खिलाफ आवाज भी बुलंद करने लगी है। ABP गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।